नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर साइंस का सर्वे जो कि आपका ओएमआर के बाद जो कंडक्ट कराने की बात कही थी मैंने, उसको लेके मैंने आज पोल कराया था, तो उससे रिलेटेड उस पर बात होगी। बाकी यहाँ पे आपको दो तीन बिंदुओं पे मैं बात करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आप देख सकते हो बीएसईबी का यहाँ पे आज अभी से कुछ देर पहले का ट्वीट है, जिसमें कि कल 3 अक्टूबर को, जैसा कि पहले भी बता दिया गया था, 3 अक्टूबर को 2:30 बजे दिन में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2023 एसटीईटी हुआ था उसका परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। तो प्रकाशित इसके होते ही पीपीएससी तैयारी का जो रिजल्ट का जो ये बाधा है जो एक बना हुआ था म्यूजिक सब्जेक्ट को लेके, वो दूर हो जाएगा। तो इसको फिर कल वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको यहाँ पे आनंद किशोर सर रिजल्ट जारी करेंगे, जैसा उन्होंने 2019 में किया था और फिर वादा किया था जो सबका नौकरी पक्का समझा जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो चलिए एसटीईटी 2023 का रिजल्ट आ जाएगा, ये अच्छी खबर है सबके लिए, जिन्होंने जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए तो काफी गुड न्यूज है। तो बाकी अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे मैंने चैनल पे जो पोल यू ये ओएमआर सीट के बाद जो स्कोर में चेंज वाला जो करवाया था उसमें 1400 वोट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 और 19 अभी भी वही 60% लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स उलट पुलट हो रहे हैं, और ये सेम मार्क्स वाले रात मतलब ये 40% थे, बट अब ये घट के सुबह में 38 थे, अब ये घट के 37 हो गए हैं। तो इस तरह तो हमने यहाँ पे एक पोल भी कंडक्ट कराया था, वैसे मैंने सोशल साइंस का भी किया था, तो यहाँ पे बस 410 ही वोटिंग आई है। तो सोशल साइंस में भी आप देख सकते हो कि सेम मार्क्स वाले यहाँ तो और बुरा हाल है, सेम मार्क्स वाले यहाँ पे 15% है, अदर्स यहाँ पे अदर लोगों ने यहाँ पे लगभग 41 लोगों ने अदर सब्जेक्ट वाले ने यहाँ पे क्लिक कर दिया। बाकी आप यहाँ भी देख सकते हो लगभग वही 65% के करीब सोशल साइंस में भी मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैंने जो एक यहाँ सोशल साइंस को लेके भी बोला था जो गूगल सर्वे क्रिएट होना चाहिए, तो इसमें कम वोटिंग आई है, तो इसलिए मैंने अभी इसका क्रिएट नहीं किया है। अगर यहाँ पे 500 प्लस वोटिंग आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि सोशल साइंस का भी कटअप मैं वैसे उसी सिरे से शुरू करूँ जैसा कि आपने कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी देखा है। आपने मेरा कटअप बनाने का तरीका या फिर गूगल सर्वे का तरीका देखा होगा, मैंने पिछली बार भी जब बनाया था, जब फर्स्ट आंसर किया था, तो मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट का आपको डाटा दिखाया था, कैटेगरी वाइज भी दिखाया था, फीमेल का अलग से भी दिखाया था, मैंने हर तरह से दिखाया था। बट इस बार मैं उतना नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ आपको एक दो वीडियो में ही अच्छा खासा आंकड़ा मिल जाएगा जो आखिर मार्क्स कितना क्या अप डाउन हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीपीएससी तैयारी कंप्यूटर साइंस का गूगल सर्वे का यहाँ पे पूछा था जो क्या फिर से किया जाए, तो इसमें लगभग 630 लोगों ने वोट किया है, जिसमें 70% लोगों का कहना है कि हाँ फिर से बीपीएससी तैयारी का ये आफ्टर ओएमआर एक सर्वे कंडक्ट हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्वे को कंडक्ट किया है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप कोशिश करें कि एक ही बार वोट करें। मैं पिछली बार देखा था एक लोग तीन तीन चार चार बार वोट कर रहे हैं, पहले आप कन्फर्म हो लें कि आपका मार्क्स आ कितना रहा है, उसके बाद ही आपको वोट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ये जो इंटरफेस है ये खुल के आ चुका है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वैसे टेस्टिंग की है इसलिए यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यहाँ आप देख सकते हो ओएमआर सीट आने के बाद बीपीएससी तैयारी कंप्यूटर साइंस में आपका स्कोर, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कृपया एक ही बार वोट करें। तो इस बार मैंने दो तीन चीजों को ऐड किया है, जो जैसा कि हमें कॉमेंट में पिछली बार भी दिखने को मिला था, इस बार भी दिखने को मिला है, तो मैंने सोचा उन सब चीजों को ऐड किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, नाम में आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। बहुत लोग पिछले बार ऐसे थे जो कि मैसेज कर रहे हैं कि उनका नाम, आप पहले उन्होंने अपना ओरिजिनल नाम दे दिया, आप उनको अपना नाम चेंज करना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा आएगा तो फिर उनको नहीं नहीं बताना है जो उनका आखिर एक्चुअल स्कोर क्या हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने बाद में नेम चेंज को लेके भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने उनका नाम बदला भी था। तो आप पहले से कंफर्म हो ले कि आपको अपना ओरिजिनल नाम देना है, दे नहीं तो कुछ भी नाम दे, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मैंने एंट्री किया था। तो आप कोई सा भी नाम दे, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप अपना ओरिजिनल ही नाम दे, बस आपको पहचान में आना चाहिए। दूसरा, हमने यहाँ पे इस बार एक नया ऑप्शन इंक्लूड किया है, यहाँ पे आपको लिखना है आपने किस वर्ष बिहार एसटीईटी का परीक्षा पास किया था। तो बीपीएससी तैयारी का जिस टाइम फॉर्म डाला जा रहा था उस टाइम ये ऑप्शन वहाँ पे था, वहाँ पे आपको ऑप्शन 2011 का था, 2019 का था और एक अदर्स का भी ऑप्शन था। तो अदर्स वाले में अदर स्टेट वाले ने डाल रखा है, इस जो करीब 800 के करीब थे, या फिर अगर बिहार में भी कुछ वैसे होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक अदर्स का ऑप्शन भी डाल दिया है। देखते हैं लोग वो एंट्री करते हैं, या फिर अगर वो लोग भी एंट्री करते हैं तो आखिर पता चल जाएगा कि आखिर कितने लोग हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2011 पास हैं तो 11 में दबाएं, 19 पास हैं तो 19 में दबाएं, तो बहुत 11 वाले तो 19 भी एग्जाम दिए हैं, तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से 11 दबाएं 19 दबाएं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि स्टेट की पात्रता अब लाइफ टाइम है सर्टिफिकेट की।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी मैंने अगला जो ऑप्शन डाला है ये फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट का डाला है, ताकि एग्जैक्ट आइडिया मिले जो किस डिस्ट्रिक्ट से है। और मैंने पिछली बार जो सर्वे कराया था तो उसमें भी मैंने डिस्ट्रिक्ट को रखा था, ताकि पिछली बार और इस बार के डाटा से मुझे थोड़ा अच्छे से कटअप भी बनाने का भी जो ये प्रोसेस जो होगा उसमें हम पिछली बार कितना स्कोर था, इस बार कितना स्कोर हो रहा है, वो एग्जैक्ट आइडिया मिले। तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को भी यहाँ पे रखा है। बाकी अगर यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगा, कैटेगरी हमने सारा रखा है। अगर आपका इन सब के बाद अगर कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ अदर्स में आप लिख सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा OMR चेक के बाद आपके स्कोर में क्या बदलाव आया। या तो आपके मार्क्स घट गए तो आपको ये दबाना है, अगर आपके मार्क्स सेम है तो आपको बीच वाला दबाना है, अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपको नीचे वाला दबाना है। उसके बाद आपको लास्ट में योर मार्क्स आफ्टर OMR, यहाँ पे आपका जो एक्चुअल मार्क्स बन रहा है वो आपको दबाना है और सीधे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका वो ये कोशिश करना है जो बस एक ही बार एंट्री करना है, नहीं तो एंट्री अगर बार बार होती है तो फिर वीडियो बनाने में टाइम लगता है, फिल्टर करने में टाइम लगता है। तो इसलिए कोशिश करें जो वीडियो अगर जल्दी आए तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एंट्री करें। पिछली बार लगभग 1250 के करीब एंट्री थी, अगर इस बार भी उतनी एंट्री आ जाती है तभी हम एग्जैक्ट कटअप जो हम जो बता रहे थे, जो अभी 3-4 नंबर का जो ड्रॉप हुआ है तो उससे निश्चित ही 2 नंबर का ड्रॉप आपको, 2 से 3 नंबर का ड्रॉप आपको कट ऑफ मार्क्स में दिखेगा। तो कट ऑफ तो लगभग मैंने आपको जहां तक बताया था जो जनरल का आपका 56 से 58 के बीच में जो रहेगा, यानी कि 58 तक ही रहेगा, 58 से ऊपर अब मुझे नहीं लगता है जाएगा। तो उस तरह से ही आपका कट ऑफ का आंकड़ा रहेगा। बाकी मैंने आपको कट ऑफ से रिलेटेड पहले वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप वो वीडियो भी फिलहाल देख सकते हो जब तक ये डाटा नहीं आता है। तो इसमें अगर ठीक ठाक एंट्री आ जाती है तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इस पे इसका रिजल्ट आप लोग को दिखाया जाए। और मैं जब भी आपको डाटा दिखाऊंगा पूरा डाटा दिखाऊंगा, एक एक डाटा दिखाऊंगा, मैं कुछ भी ये नहीं है जो मैं आपको आधा डाटा दिखा के फिर छोड़ दूँ। तो यही है, बाकी आप लोगों को बस इसमें एंट्री करना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग एंट्री करें। इस जो भी लिंक है मैं इसको अपने टेलीग्राम लिंक में भी शेयर कर दूंगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप अपने जितने भी कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं वो अपने इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप व्हाट्सएप में शेयर करें, टेलीग्राम में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एंट्री करें। जो लोग FB यूज फेसबुक यूज करते हैं वहां पर भी शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा एंट्री आएगी तभी एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें। और सोशल साइंस के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि आपका यहाँ पे लगभग 500 प्लस अगर वोट होता है उसमें मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूंगा कि यहाँ पे बनाना है या नहीं। यहाँ पे अभी पार्टिसिपेशन कम है इसलिए मैंने यहाँ पे इसका अभी सर्वे क्रिएट नहीं किया है। तो देखते हैं क्या कैसे आखिर होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। आपको इस तरह का कटअप मैं किस तरह से बनाता हूँ, क्या मेरा बनाने का प्रोसेस होता है, सब आपने पिछले पीछे के वीडियो में आपने ऑलरेडी देख रखा है। मैं थोड़ा इस पे आज दिन भर इस पे आखिर सोचना पड़ा जो आखिर क्या क्या इसमें ऑप्शन जो है वो डाला जाए, ताकि एक परफेक्ट आइडिया सही से मिले। तो चलिए, अगर कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इस चैनल पे मिल जाया करेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।